जय हिंद दोस्तों। कंबाइंड हायर ग्रेजुएट सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम 2021 नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जाएंगे, 10th पास एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखें उनकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मान्य है, अदरवाइज आप 12th पास हैं तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये 12th पास के लिए वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन एक्स सर्विसमैन 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाली गई है, जिसमें कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम 2021 नोटिफिकेशन आ चुका, जिसमें वैकेंसी है 10,000 से भी ऊपर। ऑल इंडिया के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी, ऑल इंडिया जॉब लोकेशन रहेगी। एक्स सर्विसमैन मेल फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार 10% एक्स सर्विसमैन को ग्रुप सी की पोस्ट में मिलेगा। अभी देख लेते हैं फॉर्म भरने की डेट। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 1 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पेमेंट जमा देने की जो डेट है, ऑनलाइन फॉर्म में पेमेंट देने की 8 मार्च 2022 तक पेमेंट दे सकते हैं, पेमेंट जमा कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें एक्स सर्विसमैन एससी एसटी ओबीसी को और वोमेन को फीस नहीं देनी है, कोई फीस नहीं जमा करनी है। तो आप बिना फीस के भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई फीस जमा नहीं करनी है। अगर चालान के माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं तो 10 मार्च तक आप जमा कर सकते हैं। करेक्शन फॉर्म में अगर कोई गलती से भर दिया है, कुछ गलत हो गया, तो 11/3/2022 से 15/3/2022 तक करेक्शन किया जा सकता है। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा मई 2022 में। तो उससे पहले आप ये ध्यान रखें फॉर्म जब भरे तो फॉर्म अच्छा और उसकी तैयारी कर ले। जो पोस्टें निकली हुई हैं, पोस्टें बता देते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, तो काफी अच्छी पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, पे स्केल क्या रहेगा। पे स्केल लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पे लेवल 2 रहेगा, जिसमें सैलरी रहेगी 19,900 से 63,200 रुपए तक। पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की पे लेवल रहेगी 4, 25,500 से 81,100 रुपए सैलरी रहेगी, काफी अच्छी सैलरी है। नेक्स्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर की पे लेवल 4 मिलेगी, जिसमें 25,500 से 81,100 रुपए सैलरी रहेगी, पे लेवल 5 मिलेगी। और 2 है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर नॉर्मल, तो दोनों की सैलरी सेम रहेगी। जरूर अप्लाई करें अगर जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बहुत ही अच्छी जॉब है और काफी वैकेंसी भी है, तो जरूर अप्लाई करें। वैकेंसी बता देते हैं, इसमें दिया हुआ डिटरमाइंड ड्यू टू कोर्स अपडेट वैकेंसी। इनकी वेबसाइट में आपको वैकेंसी 10,000 का पूरा डिटेल मिल जाएगा, कितनी कौन सी वैकेंसी किस स्टेट में निकली है। 10,000 वैकेंसी है, स्टेट आगे बताएंगे कौन कौन से हैं। रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन। एक्स सर्विसमैन को जो दिया हुआ है रिजर्वेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार 10% एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन है, डिसेबल्ड पर्सन को भी रिजर्वेशन है एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार। तो गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार आपको पता है कितना रिजर्वेशन मिलता है सभी को। इसके बाद पीडब्ल्यूडी को भी कई तरह के डिसेबिलिटी ये दिए हुए हैं, उनको अपना देख ले कौन सी डिसेबिलिटी में उनको कितना रिजर्वेशन मिलता है। एक चीज और देख लेते हैं, इसमें मेन चीज आ जाती है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इंडिया का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है, नेपाल का भी कर सकता है, भूटान का कर सकता है, और माइग्रेट होके जो पाकिस्तान वर्मा से आए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट की, क्या एज लिमिट होनी चाहिए। 18 से 27 साल के सभी लोग जिनकी एज 1/1/2022 को 18 से 27 साल है वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि 2/1/1995 से 1/1/2004 के बीच में एज होनी चाहिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट
वो अलग मिल जाएगी, जिससे एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल एज रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन को देख लेते हैं, एक्स सर्विसमैन जो है उनको 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ सर्विस, मिलिट्री सर्विस जो की है उनकी 3 साल प्लस मिलिट्री सर्विस डिडक्शन की एज रिलैक्सेशन रहेगी। तो एक्स सर्विसमैन जरूर अप्लाई करें, 10th पास भी एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप सी की पोस्टों के लिए, काफी ग्रुप सी की पोस्ट खाली पड़ी है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन जो ग्रुप सी और डी की पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखें दोनों पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप सी और डी के लिए। इसमें एक चीज और देख लें, एक्स सर्विसमैन का मतलब इसमें दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन मीन आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोगों को एक्स सर्विसमैन माना गया है। इसमें एक बात और रह गई है कि जो ये एक्स सर्विसमैन है इनका दिया हुआ है मैट्रिकुलेट, एक्स सर्विसमैन भी इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट जिनको मिली है और 15 साल सर्विस कर चुके हैं वो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल दिया हुआ है, एलिजिबल है। जिन्होंने 15 साल सर्विस नहीं की है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको पास 12th होना चाहिए अगर आप 15 साल नौकरी नहीं कर पाए हैं। इसके बाद और देख लेते हैं, इसमें जो दिया हुआ है काफी अच्छी वैकेंसी है और हर स्टेट की वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देते हैं। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दी है, एलडीसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट डीओ, और उनकी वैकेंसी में 12th मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से है। और एक्स सर्विसमैन अगर 12th नहीं है, 10th पास है, तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे जो ये पोस्टें दी हैं। इसके बाद 12th पास है तब तो किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ की पोस्ट ग्रेड ए के लिए 12th मांगा गया है, जिसमें साइंस साइड मैथ से होना चाहिए। तो 12th अगर है साइंस साइड मैथ से है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई करें। बाकी ये पोस्टें जो पूरी पोस्टें बाकी पोस्ट 12th नॉर्मल भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर लें क्योंकि 1 महीने से भी ज्यादा टाइम है, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in पर लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फोटोग्राफ रहेगी जेपीजी फॉर्मेट में, 20 से 50 केवी से ज्यादा ना होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके भी सही होने चाहिए, इसमें सिग्नेचर भी अपलोड करना है। एप्लीकेशन फीस क्लियर दिया हुआ है, ₹100 है, लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को एग्जेम्प्टेड, यानी कि कोई फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी लोग भीम यूपीआई से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं, चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसका भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक ना हो तो वो वीडियो जरूर देख ले जिसने जो फॉर्म भरना चाहते हैं। सेंटर कौन से रहेंगे तो सेंटर देख लें, तो सेंटर रीजन में जो सेंटर रहेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश में, इसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी में सेंटर रहेंगे। नेक्स्ट जो ईस्टर्न रीजन में कौन कौन सेंटर रहेंगे, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में ये पूरे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, कटक, गंगटोक, सिलीगुड़ी, ये सारे जगह दिया हुआ, पोर्ट ब्लेयर, रांची, तो ये इनमें भर सकते हैं आप। इसके बाद केरला, कर्नाटक रीजन में भी दिया हुआ है, लक्षद्वीप, कर्नाटक एंड केरला में भी दिया हुआ, मध्य प्रदेश रीजन में भी दिया है, भोपाल, ग्वालियर, सतना, दुर्ग, बिहार, जयपुर, कई जगह दिया हुआ है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए भी दिया हुआ, दीमापुर, अगरतला, सिलचर, गुवाहाटी, तो कई जगह दिया हुआ है, इनमें भर सकते हैं। नॉर्थ रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए भी दिए हुए हैं, सारे इनके डिस्ट्रिक्ट में, मेन मेन डिस्ट्रिक्ट में दिया हुआ है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भी चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के भी दिया हुआ है, लद्दाख, और सब में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख लो पूरा दिया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साउथ रीजन में आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना के लिए भी दिया हुआ है, सारी डिस्ट्रिक्ट भी दी हुई है, ये डिस्ट्रिक्ट में आप अपने सेंटर डाल सकते हैं, ले सकते हैं।
वेस्टर्न रीजन दादर नगर हवेली दामन दीव गोवा गुजरात महाराष्ट्र के लिए भी दिया हुआ है, नागपुर नागालैंड ये नासिक सबके लिए दिया हुआ है। तो इसमें अप्लाई कर ले अपने लोकल रीजन में। इसके बाद कैसे फॉर्म भरना है इसका मैं लिंक बनाऊंगा वीडियो, तो उसका भी आप वीडियो देख लेना। सबसे पहले इसमें जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो जरूर अप्लाई करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भी होगी, जनरल इंटेलिजेंस होगी, क्वेंट होगी, और इसकी बुक आप लेना चाहते हो तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बहुत ही अच्छी बुक है, सस्ती बुक है, और आप उसमें लेके उसकी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, जय हिंद।